करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े कहा है कि जा करके श्री रामचंद्र जी का दर्शन मत करिए, श्री राम जी का दर्शन करने से मना किया है क्या? कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरयू जी में स्नान मत करिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहाँ कहा है कि वहाँ जा करके कोई पूजा पाठ मत करिए, कोई कार्यक्रम मत करिए। कि 25,000 हर जिले से व्यक्ति जा रहे हैं, कानून व्यवस्था पे जो प्रभाव पड़ेगा। देखिए यह कानून व्यवस्था जो है भैया ना, वो हमारा काम है ना, सरकार देखेगी, वो सरकार देखेगी। अभी हर जगह जौनपुर में ही अभी कुछ दिन पहले अभी 17 को ही 10,000 मोटरसाइकिलों की रैली निकली, तो निकली तो उसमें कानून व्यवस्था हम लोग नहीं देखे, एक जिले में था ना, पूरे व्यक्ति वहां जा, नहीं पूरे 80 जिलों में निकला रैली। मैं वही बता रहा हूँ कि मंदिर में यदि आप दर्शन करने से, न तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, न तो सरजू जी में स्नान से रोका है, न तो वहाँ बैठने से रोका है, न तो कार्यक्रम करने के लिए रोका है, और यदि शासन है तो 10 लाख की भीड़ हो या 15 लाख की भीड़ हो या 1 लाख की भीड़ हो, वो काम हमारा है ना, हम लोग करेंगे, काहे उसमें चिंता करें। 2019 राम के नाम पे लड़ेंगे या काम के नाम पे? यार राम तो हमारे आपके सबके हृदय में है और काम दिखाई दे रहा है, अभी मैंने बोला भी और आपको जानकारी भी जी, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आपको लगता है तो आप अपने भाव भूलते रहिए, हमको तो लगता है कानून व्यवस्था बहुत ठीक है, अपराधी छोड़ के भाग गए। आप बताइए ना कहाँ संगठित अपराध चल रहा है, कौन गुंडा टैक्स वसूली व्यापारियों जाके पूछिए। कानून व्यवस्था जी ठीक नहीं होता तो यहाँ पर 468 लाख करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थोड़े होता, 468 लाख करोड़ जो हमारे उत्तर प्रदेश के बजट से भी ज़्यादा है।